कल माननीय प्रधानमंत्री जी 11:45 पे उनका आने का कार्यक्रम जो आया है और 12 बजे से 1:30 बजे तक रैली के मंच पर है। जहां तक रैली का सवाल है, रैली का आयोजन, रैली की सारी व्यवस्थाएं तीनों जो दल हैं वो मिलकर के कर रहे हैं। सारा खर्चा तीनों दल मिलकर के रैली का कर रहे हैं। राजनीतिक रैली जो है ये संकल्प के लिए, और अगर बिहार के लाखों की संख्या में आकर के लोग एक नया भारत बनाने का संकल्प लेते हैं तो क्या उनको नए भारत से तकलीफ हो रही? दल से बड़ा देश होता है, और हमारा मानना है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने जिस प्रकार से आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया, हिंदुस्तान ने जिस प्रकार से अपनी दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति को दर्शाया है, और भारत की जनता ने जिस प्रकार से इसको एक मजबूती से सरकार को अपना पूरा नैतिक समर्थन दिया और सरकार ने उस जिम्मेदारी को पूरा किया है, उसके बाद अगर कोई इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो ये उसके खुद के लिए सोचने का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी बरौनी में बहुत बड़ा कार्यक्रम करके गए हैं और उसके साथ साथ लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, और आप जान ही रहे हैं कि एनडीए के सुशासन काल में बिहार ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में बहुत अच्छे मानकों को प्राप्त किया है। बिहार की बढ़ती हुई विकास दर ये दोनों सरकारों के, केंद्र सरकार और बिहार सरकार के, जो साथ मिलकर काम करने का जो संकल्प हुआ है उसके कारण ये प्रगति हुई है और ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी।